Welcome back to our channel Tri-City Property Guru. I'm your host Tarannum and here I am back with another video for all of you. And guys, aaj is project par main aapko lekar aayi hu. It is 0 km from Chandigarh or you can say this is the first address of new Chandigarh jahan pe aaj main aapko dikhaungi ek 5 BHK fully furnished apartment in the size of 450 square yard. So let's get started. Of our today's project which comes under G+2 जिसमें आपको lift भी provided रहेगी and staircase भी आपके पास provided रहेंगे अपने flat में access करने के लिए. Guys, आपको अंदर लेके जाने से पहले मैं connectivity के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. आज का जो हमारा project है by मनोहर सिंह and company, it is located on मध्य मार्ग extension जहाँ से आप easily Delhi side को भी connect कर सकते हैं, like आपका जो Delhi अम्बाला highway आ जाता है उसको भी connect कर सकते हैं and further यहाँ से आप सिसवा बद्दी हिमाचल को भी easily connect कर सकते हैं एंड पंजाब की कनेक्टिविटी, लाइक फर्दर पंजाब की कनेक्टिविटी तो आपको यहाँ पे मिल ही जाती है. एंड नियर बाय हॉटस्पॉट्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एडजॉइनिंग में मिल जाती हैं. यो स्कूल्स, यो कॉलेज, यो हॉस्पिटल्स, आपका एजुकेशन सिटी यहाँ पे एडजॉइनिंग में आ जाता है, मेडी सिटी आ जाता है, PGI के लिए अच्छी कनेक्टिविटी आ जाती है, आपके एयरपोर्ट के लिए अच्छी कनेक्टिविटी आ जाती है. आपका जो सेक्टर 17 है चंडीगढ़ का, वो यहाँ से सिर्फ 7 to 10 मिनट्स की ड्राइव पर रहने वाला है. मतलब कहीं के लिए भी आपको जाना हो ना, ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो. प्रोजेक्ट के अंदर की बात करूँ तो अंदर के रोड जो है वो आपके काफ़ी वाइड रहेंगे, जैसे कि आप सामने वाला ये रोड ही देख सकते हैं, काफ़ी वाइड रोड आ जाएगा ये आपका. एंड प्रोजेक्ट के अंदर आपके जो राउंड अबाउट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे प्लान किए गए हैं, ग्रीनरी काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान की गई है. लाइक सारी चीज़ें आपको ना यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट में वेल प्लान मिल जाएगी, किसी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली. अब आइए फाइनली चलते हैं अंदर. सो गाइज, आज जो अपार्टमेंट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो आपका ग्राउंड फ्लोर पे लोकेटेड है. तो दिस विल बी द एंट्री ऑफ द अपार्टमेंट एंड यहाँ पे रहेगी आपकी पार्किंग बाहर. तो आइए चलते हैं अंदर, जहाँ पे आपको ये एक गेट मिल जाता है, लाइक सिक्योरिटी देखो गाइज, एक ये गेट मिल जाता है आपको, अंदर आके एक ये गेट आ जाएगा आपका. लाइक काफ़ी सिक्योर्ड अपार्टमेंट आपका रहने वाला है, जिस तरीके से आप इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं. बाहर देखिएगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्लांट्स इन्होंने लगा रखे हैं आपकी एंट्री पे ही. कम इन साइड एंड एंटर करते ही यहाँ पे आप देखिए कि कितना बड़ा फॉयर एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है. आप इसको अपना वेटिंग स्पेस भी बना सकते हैं, लाइक कोई भी आपके गेस्ट आपको विजिट करने के लिए आए, आप उनको अंदर नहीं बुलाना चाहते, आप बाहर उनको वेट करवा सकते हैं. कभी भी स्विगी वाले या कोई भी आता है, आप उनको बाहर बैठने के लिए ऑफर कर सकते हैं. यहाँ पर छोटा मोटा आप सिटिंग के लिए स्पेस अपना क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर मैं और बोलूँ तो अपना शू रैक आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो. लाइक बहुत सारी चीज़ों से आप इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो, इतना ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है. फैन आपका प्रोवाइडेड है, फॉल सीलिंग यहाँ पे भी आपका काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है. सो यहाँ रहेगा आपका मेन डोर जो आपको मिल जाता है, वो डिजिटल लॉक जिसको आप अपने कार्ड से, की से, फिंगरप्रिंट से एक्सेस कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं अंदर. सो गाइज, दिस इज आर अपार्टमेंट. गाइज, जब मैं आपको दिखाऊंगी ना कितना ज़्यादा स्पेशियस है, आप ना हैरान रह जाओगे. बाई गॉड, इतना स्पेशियस इसका ड्राइंग है, इतना स्पेशियस अदर लिविंग एंड डाइनिंग है, क्या बताऊँ मैं आपको. बट पहले हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं. तो स्टार्टिंग में आपको ये फॉयर एरिया मिल जाता है, जहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने छोटा सा एक टेबल एंड यहाँ पे एक शोकेस सा एडजस्ट करके रखा है. तो आप इस तरीके से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप कुछ और करना चाहें अपने तरीके से, आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं. एंड एज यू मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सुपर स्पेशियस ड्राइंग एरिया. लुक एट दिस गाइस, यार कितना ज़्यादा स्पेशियस ड्राइंग यहाँ पे आपको मिल रहा है. एंड ऊपर लाइटिंग देखिए, ये सारी आपको एज इट इज़ मिलने वाली है.
यहाँ पे जो फर्नीचर आप देख रहे हैं, आपका कंप्लीट सोफा आ जाएगा, आपका टेबल है यहाँ पे सेंटर में, ये सारा आपका एज इट इज रहने वाला है, इवन पीछे वाला मिरर भी। तो आपको इसके स्पेस का ज्यादा अच्छे से आइडिया लग जाए, मैं आपको इसका साइज भी बता देती हूँ। इसका जो साइज है वो है आपका 16.6 × 15। यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ज्यादा स्पेशियस आपका ये ड्रॉइंग रहने वाला है। इस साइड अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका एसी, जो अगेन आपको एज इट इज मिलने वाला है। विंडो की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका विंडो, जहाँ से आप एक्सेस बाहर के लिए भी कर सकते हैं, लाइक अगर आप इसको बाहर अपना सिटिंग एरिया वगैरह बनाना चाहें तो आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको डोर यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगा, एंड जो आपके डोर रहेंगे ना गाइज, वो सारे आपके टफन ग्लास के साथ रहेंगे, जो आपके साउंड प्रूफ होते हैं। So after your drawing area, here comes your super spacious again your living and your dining area. उसके साइज की बात करूंगी तो इसका साइज है आपका 17 × 30 approx, जिसमें स्टार्टिंग में यहाँ पे आ जाता है आपके लिविंग एरिया के लिए स्पेस, जहाँ पे आप अपना सिटिंग के लिए स्पेस बना सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ ब्यूटीफुल सी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। पीछे आप ये मिरर देख रहे हैं, ये आपका एज इट इज यहाँ पे रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ऊपर आपका एसी आ जाएगा, यहाँ पे आप ये ब्यूटीफुल सा शैंडलियर देख रहे हैं, ये भी आपका एज इट इज रहने वाला है। एंड इसके अलावा आपका पूरा फॉल सीलिंग एंड उसके अंदर जितना भी आपका कंसील्ड लाइट्स हैं, वो भी आपके सारे एज इट इज रहने वाले हैं। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगा स्पेस, लाइक यहाँ पे आप अपना छोटा सा चेस्टर रख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्रीन, आपका एलईडी, जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं। आप चाहेंगे तो इसको एज इट इज ऐसे भी रख सकते हैं, अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे आ जाएगा हमारा डाइनिंग एरिया, इसके बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पे है आपका किचन, एंड किचन के बिल्कुल साथ में ही रहेगा आपका डाइनिंग एरिया, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप इजीली यहाँ पे 10-12 सीटर डाइनिंग टेबल इंस्टॉल कर सकते हो, बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं लगेगा। आपकी जितनी भी बड़ी फैमिली है, सारे आप बैठ के यहाँ पे साथ में खाना खा सकते हैं। एंड इस तरफ देखेंगे, इस स्पेस का यूटिलाइजेशन करके इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक मिनी बार क्रिएट किया है, जो अगर आपको पसंद है आप ऐसे भी रख सकते हो इसको, अगर चेंज करना चाहते हो अपना, आपके कुछ और लाइकिंग्स हैं तो आप यहाँ पे छोटा मोटा लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हो, एक बुक शेल्फ बना सकते हो, एज लाइक जैसे कि आपको पसंद है। एंड आफ्टर दिस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डाइनिंग एरिया के एडजॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका किचन, तो आइए किचन देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले किचन के साइज की बात कर लेते हैं, 11.6 × 12.9 इसका साइज रहेगा आपका अप्रोक्सीमेटली। तो स्क्वायर में आपका ये किचन बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पैरेलल में स्लैब्स आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर, एंड आपके सारे अप्लाइंसेस लाइक योर माइक्रोवेव, आपका ओटीजी आ जाएगा। यहाँ पे आपके कैबिनेट्स बने हुए हैं फॉर द डिफरेंट पर्पस, जहाँ पे आप अपना सामान जो है वो स्टोर कर सकते हैं। एंड इस साइड अगर आप आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका हॉब, एंड आपका चिमनी जो ऑलरेडी आपका यहाँ पे प्लेस्ड है, आपको एज इट इज मिलेगा। कैबिनेट्स की बात करेंगे, काफ़ी अच्छे साइज के साथ आपको ये कैबिनेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड शेल्फ भी देखिए ना, आपका ये स्लैब कितना बड़ा आपको यहाँ पे मिल रहा है, पूरा यहाँ तक है, लाइक आपको कुकिंग करने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है। इस साइड देखेंगे, हमारा ड्यूल सिंक आ जाएगा, जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह वॉश कर सकते हैं। एंड इसके ठीक ऊपर यहाँ पे आपको कैबिनेट्स भी मिल रहे हैं, जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करके यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। ऊपर आपका फैन प्रॉपर लगा हुआ है, आपकी लाइटिंग पूरी प्रॉपर आ जाएगी पूरे ही किचन में। एंड आपके किचन के साथ कनेक्ट आपका बैकयार्ड रहने वाला है यहाँ पे, तो आपको वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये कनेक्ट रहेगा आपका बैकयार्ड आपकी किचन के साथ, आपके मास्टर बेडरूम एंड आपके सेकंड बेडरूम के साथ। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस कितना ज़्यादा आपको मिल रहा है, आप सिटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, झूला वगैरह लगा सकते हैं, छोटी मोटी पार्टी यहाँ पे कर सकते हैं, इतना ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे मिल रहा है आपको एक ओपन किचन, तो अगर आप पार्टीज़ वगैरह करने के शौकीन हैं, आपको अपने बैकयार्ड में पार्टी करनी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर अपने जो यूटेंसिल्स हैं वो अंदर वॉश नहीं करने हैं, तो आपकी मेड वगैरह यहाँ पे उनको वॉश कर सकती है, तो आपके आपका किचन जो है वो साफ़ रहे। एंड यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं,
एक छोटा सा शेड बना के रखा है जिसमें आप वो सारी चीज़ें अपनी प्लेस कर सकते हैं जो अपने घर के अंदर आप नहीं रख सकते। बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, बहुत सारा पुराना सामान होता है जिनको हमें नहीं समझ आता कि कहाँ रखें, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हो। एंड गाइज, अब आफ्टर दिस अब हम चेकआउट करेंगे हमारे रूम्स। तो आपको यहाँ पे 5 बेडरूम मिल रहे हैं इंक्लूडिंग योर 7th रूम जो आपका अभी बंद है, मैं आपको नहीं दिखा सकती। एंड आपका ये जो यहाँ पे रूम है आपका जो 2nd रूम आ जाएगा वो भी आपका क्लोज्ड है क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो ये भी मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती। बट ये जो मैं आपको रूम अभी दिखाने वाली हूँ ना, ये एज इट इज़ ऐसा ही है जैसा ये बना हुआ है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। तो आइए, यहाँ रहेगा हमारा 1st बेडरूम। सो दिस इज आवर 1st बेडरूम। आप देख सकते हैं साइज काफ़ी अच्छा है रूम का। इसमें भी आपका जो फर्नीचर है वो ऑलरेडी पूरा इंस्टॉल्ड है, आपका LED आ जाएगा, बेड रहेगा आपका, नीचे आप यहाँ पे ब्यूटीफुल सा पेंटिंग देख सकते हैं, आपका अलमीरा आ जाएगा, आपके यहाँ पे काउचेस आ जाएंगे एंड आपका AC भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहेगा। एंड गाइज, इसी रूम के साथ आपका कनेक्टेड वॉशरूम भी यहाँ पे रहने वाला है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर वॉशरूम बना हुआ है। पार्टीशन जैसा कि आप देख रहे हैं आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। गीज़र आपका एज इट इज़ रहेगा, आपका बेसिन आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर आपका सीट आ जाएगा एंड जो आपकी फ्लोरिंग रहेगी ना गाइस वो सारी एंटीसकेट आ जाएगी। एंड वॉल लेंथ पे जो आप टाइलिंग देख रहे हैं ना, काफ़ी अच्छा कलर यूज़ किया गया है टाइलिंग में एंड काफ़ी लाइक बड़ी साइज यहाँ पर लगाया गया है जिससे कि काफ़ी अच्छा लुक आपके वॉशरूम का आ रहा है। एंड आफ्टर दिस अगर हम रूम में लाइट एंड वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका काफ़ी बड़ा विंडो। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ से आप अपने घर का पूरा बाहर का लुक देख सकते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप यहाँ पे पूरी नज़र रख सकते हैं क्योंकि जो आपका फॉयर एरिया है ना बाहर का, वहाँ पे आपका ये विंडो कनेक्टेड है। एंड दूसरा, आपको लाइटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। आप देखेंगे अभी रूम में काफ़ी कम लाइटिंग जली हुई है बट आपका जो वेंटिलेशन है एंड जो लाइटिंग है वो काफ़ी अच्छी आ रही है बाहर से। सो ये था हमारा 1st बेडरूम। अब इसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट बेडरूम में, आइए। तो आपके किचन के ठीक साथ यहाँ पे रहने वाला है आपका 2nd बेडरूम। स्पेस देख लीजिए रूम का, बहुत बड़ा रूम है गाइज। कबर्ड्स की बात करूंगी तो यहाँ पे भी कबर्ड है आपका, वहाँ पे भी कबर्ड रहने वाला है, सेंटर में आपका बेड आ जाएगा, AC आपको यहाँ पे भी एज इट इज मिलने वाला है, आपका यहाँ पे मिरर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है एंड लाइक काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिलने वाली हैं। आपको ज़्यादा छेड़छाड़ अपने रूम के साथ नहीं करनी पड़ेगी। LED आपका प्रॉपर यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं आप। चेस्टर बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे रखा गया है एंड इसके साथ भी कनेक्टेड आपकी बालकनी आ जाएगी, जो बैकयार्ड मैंने आपको दिखाया था आपकी किचन से, वही इसके साथ भी कनेक्टेड रहेगा एंड इसके साथ कनेक्टेड आपका वॉशरूम भी आ जाएगा। सो यहाँ रहेगा आपका वॉशरूम, कंप्लीट फिटिंग्स के साथ आपको ये वॉशरूम मिलने वाला है। स्टार्टिंग में आपका बेसिन आ जाएगा, मिरर आपका इंस्टॉल्ड है प्रॉपर, सीट आ जाएगी आपकी एंड आपका जो पार्टीशन है वो भी आपको यहाँ पे एज इट इज़ मिलने वाला है, लाइक दोनों सेक्शंस आपके अलग रहने वाले हैं। गीज़र ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, फ़ैन आ जाएगा प्रॉपर आपके उसमें एंड फ्लोरिंग की बात करेंगे तो सारी एंटीस्किट रहने वाली है एंड वॉल लेंथ में भी आपका पूरा कंप्लीट टाइल वर्क किया गया है। सो ये था हमारा 2nd बेडरूम। अब लेके चलती हूँ आपको हमारे फाइनल रूम में जो रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम, इसके ठीक सामने। सो गाइज, ये आ जाएगा आपका मास्टर बेडरूम जिसमें आपका कंप्लीट जो फ्लोरिंग है वो वुडन फ्लोरिंग यूज़ किया गया है। फर्नीचर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका बेड आ जाएगा प्रॉपर, यहाँ पे आप चेयर्स देख सकते हैं, आपका LED इंस्टॉल्ड है, आपका चेस्टर आ जाएगा, साइड टेबल आ जाएंगे आपके एंड वहाँ पे आ जाएंगे आपके कबर्ड जिसमें कंप्लीट मिरर का यूज़ किया गया है एंड वहाँ पे रहेगा आपका AC, फैन भी आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसमें भी आप फॉल सीलिंग देख सकते हो, लाइटिंग आपका प्रॉपर आ जाएगा, लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से आपका ये पूरा रूम बनाया गया है। कनेक्टेड बालकनी आ जाएगी, जो बैकयार्ड मैंने आपको किचन से दिखाया था वो इसके साथ भी कनेक्टेड रहेगा एंड यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ कनेक्टेड आपका वॉशरूम। सो जैसे आप इसमें एंटर करेंगे ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका बहुत बड़ा सा वॉक इन क्लोजेट जिसमें आपके बहुत सारे कबर्ड्स आ जाएंगे, नीचे भी स्पेस दिया गया आपका, ऊपर भी स्पेस आ जाएगा एंड सेंटर में यहाँ पे रहने वाला है बहुत ही बड़ा सा मिरर जिसमें नीचे भी आपके पास यहाँ स्पेस आ जाएगा
जिसमें आप अपना मेकअप वैनिटी वगैरह स्टोर कर सकते हो. लाइक जितने भी आपकी ड्रेसेस हैं, जितने भी आपके कैजुअल हैं, लाइक जितने भी कपड़े हैं, वो सारे आपके यहाँ पे इजीली सेट हो जाएंगे. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड इसी के ठीक वहाँ पे रहेगा आपका वॉशरूम. सो ये रहेगा आपका वॉशरूम जिसमें कंप्लीट आपका जैगुआर का फिटिंग रहने वाला है. स्टार्टिंग से बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बेसिन, नीचे आपका वैनिटी आ गया है प्रॉपर, ऊपर मिरर रहेगा, लाइटिंग आ रही है आपकी प्रॉपर, सीट एंड आपका जो बाथरूम सेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा विद दिस ब्यूटीफुल पार्टीशन जो आपको एज इट इज मिलने वाला है. एंड गाइस देखेंगे आपके शार जो हैं, आपके जो टैप्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे यूज़ किए गए हैं. एंड सारे आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे जैसे आप ये घर परचेज करते हैं. फ्लोरिंग की बात करेंगे, सारी इंटरस्किट रहेगी. वॉल लेंथ पे भी आपका कंप्लीट टाइलिंग यहाँ पे रहने वाला है. सो गाइज आफ्टर दिस अब हमारे आज के 5 BHK अपार्टमेंट का टूर कंप्लीट होता है. मैं आपको पूरा अपार्टमेंट टूर करवा चुकी हूँ. आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा. लोकेलिटी की बात करेंगे, पूरी टाउनशिप की बात करूँगी तो मनोहर सिंह एंड कंपनी के अंडर आपका ये फ्लैट आ जाता है. तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितनी सारी अम्यूनिटीज़ यहाँ पर मिलने वाली हैं. आपका क्लब हाउस आ जाएगा, आपके ग्रीन पार्क्स आ जाएंगे, आपकी वेल मेंटेन स्ट्रीट्स आ जाएंगी, थीम आपके गार्डन आ जाएंगे. लाइक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, पूरी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी अगर आप ये अपार्टमेंट परचेज करते हैं. नियर बाय हॉटस्पॉट्स की बात करेंगे तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि सारी चीज़ें आपको इजीली एक्सेसिबल यहाँ पे मिलने वाली हैं. एंड जो इसका प्राइस है वो भी काफ़ी जेन्युइन रखा गया है. मैं फुली फर्निश्ड की बात करूँ, जितनी भी चीज़ें आपने अपार्टमेंट में देखी हैं सारी आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिलने वाली हैं. तो अगर आपको भी अपार्टमेंट अच्छा लगा हो, आप इसके बारे में जानना चाहते हो और डिटेल्स लेना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारी सेल्स टीम आपका विजिट प्लान करेगी, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए घर के साथ. टिल देन टाटा बाय बाय. एंड हाँ, लाइक एंड शेयर कर देना. हाँ.